आओ यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, गांव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसके क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 10 डेट इज सर्कल से क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैंने पहले से फिगर को ड्रॉ कर रखा है। अब मैं आपकी बुक में से क्वेश्चन को रीड करूँगा और आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को रीड करेंगे या फिर अपनी बुक में रीड करेंगे। तो आइए मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर देता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.5। इन द फिगर, आपको फिगर गिवन है। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल 100 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल 100 डिग्री। क्लियर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वेयर पी एंड क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑन अ सर्कल, पी क्यू एंड आर सर्कल पर कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है। पी क्यू आर जो है सर्कल पर कोई पॉइंट्स हैं, विद सेंटर ओ, और इसका जो सेंटर है सर्कल का वो ओ है, जो कि मैंने डिनोट कर रखा है। फाइंड एंगल ओ पी आर, ओ पी आर आपको एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, ओ पी आर ये वाला एंगल। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला एंगल चाहिए आपको ओ पी आर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक थ्योरम होती है सर्कल के अंदर, अगर आपने अच्छे से रीड कराया है, कि एक ही आर्क द्वारा, एक आर्क जब एक एंगल तो इसके सर्कमफेरेंस पे बनाता है, इसके सर्कल पे बनाता है, और एक एंगल दूसरा एंगल अगर सेंटर पे बनाता है एक ही आर्क, तो क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है, जो एंगल सेंटर पे बनता है वो आपका सर्कल पे बने एंगल का डबल होता है। आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ये थ्योरम है आपकी कि एक अगर आर्क है, जैसे पी, ये वाली जो आर्क है, ये आर्क आपके इस एंगल को बना रही है और यही आर्क आपकी यहाँ एक एंगल बना रही है। ध्यान से सुनिएगा, एक जब आर्क एक सर्कल पे एंगल बनाती है, एक सेंटर पे एंगल बनाती है, जो सेंटर वाला एंगल होता है वो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाए, जो सर्कल पे एंगल बनाए, उसका डबल होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल पी ओ आर, ये आपका 200 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, बहुत ही नॉर्मल सॉल्यूशन है, आप अपने सेंस ऑफ उम्र से भी काम कर सकते हो। फिगर के व्याप पर मैंने समझा दिया क्या हो रहा है। एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर डबल है आपका एंगल पी क्यू आर का, डबल है आपका एंगल पी क्यू आर का। तो एंगल पी, ऐसा करते हैं, देखो पी ओ आर तो आप ये भी सोच रहे होंगे ये वाला एंगल है, पी ओ आर तो ये वाला एंगल भी है, तो इस वाले एंगल के लिए मैं इसको डैश दे रहा हूँ, इस वाले एंगल के लिए इसे ओ मान के चलेंगे, ठीक है। तो एंगल पी ओ डैश आर बराबर एंगल टू एंगल पी क्यू आर, तो पी डैश आर बराबर 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर है आपका 100, तो ये आपका आएगा 200 डिग्री। एंगल पी ओ डैश आर, ये वाला एंगल 200 आ गया, ये वाला एंगल आपका 200 आ गया। दूसरी बात, आपको पता होगा कि सेंटर पे जो पूरा एंगल बनता है वो 360 का बनता है, या फिर हम कहें किसी पॉइंट के अराउंड जो पूरा सर्कल बन जाता है या पूरा जो एंगल बनता है वो 360 का होता है। मैक्सिमम आपका एंगल 360 ही हो सकता है, जब पूरा सर्कल हो जाएगा, पूरा ये कंप्लीट सर्कल होने के बाद, ये कंप्लीट राउंड होने के बाद जो एंगल मेड होता है वो बनता है आपका 360 का। तो अगर मैं इसके अराउंड पूरा चक्कर लगा दूँ, इस सेंटर के अराउंड, तो इस सेंटर पर पूरा जो एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा, और आपका ये इधर वाला कितना है 200, तो ये वाला एंगल है, यानी इसको मैं अब नाम दूंगा पी ओ आर। एंगल पी ओ आर क्या होगा आपका, 360 माइनस एंगल पी ओ डैश आर होगा, ये पूरा 360 का है। आपको चाहिए पी ओ आर अंदर वाला, तो आपको
ये वाला एंगल 200 वाला माइनस करना पड़ेगा 360 से, तभी तो अंदर वाला आएगा। तो 360 माइनस 200 तो ये आ जाएगा आपका 160 डिग्री। क्लियर है, एंगल पी ओ आर आ गया आपका 160 डिग्री। अब आपका ये वाला एंगल जो आ गया, ये आ गया 160 डिग्री। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल ओ पी आर, आपको ये वाला एंगल चाहिए। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ओ पी इक्वल है ओ आर के, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल की जो रेडियस होती हैं, जितनी भी रेडियस हैं वो सब इक्वल होती हैं, रेडियस इक्वल होती है तभी तो सर्कल होता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ओ पी इक्वल है ओ आर के, क्योंकि ये आपके रेडियाई हैं सर्कल की, रेडियाई ऑफ सर्कल, तो ये बराबर होंगी। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जो साइड्स बराबर होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ओ पी ओ आर के बराबर है तो ओ पी के सामने का एंगल आर वाला और ओ आर के सामने का एंगल पी, ये आपके एंगल बराबर होंगे। यानी आप कह सकते हो एंगल ओ पी आर इक्वल है एंगल ओ आर पी के, और यहाँ इसका रीजन लिखेंगे आप अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल, ये इसका रीजन होता है। जो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी, ये वाले दोनों एंगल जो है ये आपके इक्वल है। अब ये ट्रायंगल पी ओ आर में देखो, पूरे ट्रायंगल पी ओ आर में देखो, पहले तो मैं इसे इक्वेशन स्पष्ट दे देता हूँ, क्लियर है। आइए मैं आपको एक बात, यहाँ तक क्लियर है बात। अब एन ट्रायंगल ओ पी आर वाले कौन त्रिभुज में देखो, ओ पी आर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एन ट्रायंगल ओ पी आर वी कैन से एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी, ये आपका इक्वल है 180 डिग्री के, एम आई राइट। इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो ओ पी आर ओ आर पी के बराबर है, ओ पी आर ओ आर पी के बराबर है, ये आप इक्वेशन स्पष्ट से कह सकते हो। और पी ओ आर आपका 160 है, क्लियर है। तो यहाँ ओ पी आर की जगह आप ओ आर पी रख सकते हो, या ओ आर पी की जगह पर ओ पी आर रख सकते हो। तो मैं ओ आर पी की जगह पर ओ पी आर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन स्पष्ट से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टू एंगल, देखो ओ पी आर प्लस ओ आर पी की जगह पर ओ पी आर और आ जाएगा, तो टू एंगल ओ पी आर हो जाएगा प्लस एंगल पी ओ आर कितना, देखो पी ओ आर निकाला था आपने 160 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ ब्रेकेट में आप रीजन लिखोगे कि एंगल पी ओ आर आपका था 160 डिग्री, और दूसरा लिखोगे एंगल ओ पी आर बराबर था एंगल ओ आर पी के, जो कि हमने इसमें पुट कर दिया है। 160 को जब तुम उधर लेके जाओगे तो 2 एंगल ओ पी आर इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 160, तो बचेगा आपका 20 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, तो 2 एंगल ओ पी आर इक्वल आ रहा है 20 डिग्री, तो एंगल ओ पी आर आ जाएगा 20/2 आपका 10 डिग्री। तो ये आपका निकल के आ गया एंगल ओ पी आर इक्वल 10 डिग्री, क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं है।
अब प्रॉब्लम क्या है कि इतना टाइम कैसे लग गया? मैंने आपको क्लियरली सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया है, एक मिनट में सॉल्व हो जाता अगर आप फिगर के बेस पर समझ लेते। फिगर के बेस पर ही सारी चीज़ समझ में आ गई थी क्या करना है, लेकिन आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं एग्जाम के अंदर। 9th क्लास में हो आप, 10th क्लास में हो, किसी भी क्लास में एग्जाम के अंदर आपको फुली प्रोसेस को लिखना है, पूरे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है फिर आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। पूरे मार्क्स तब मिलते हैं जब हम सारी चीज़ों को लिखते हैं, पूरी लैंग्वेज को लिखते हैं, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, पूरा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है हमें। इसलिए मैंने फुली तरीके से आपको बताया है, बाद बाकी आप थोड़ा सा एक मिनट के अंदर समझना चाहते हो समझ सकते हो। ये 100 डिग्री है तो एक ही आर्क द्वारा एंगल बनाए तो यहाँ 200 होगा, और अगर ये 200 है तो ये 160 होगा, क्योंकि टोटल 360 का होता है। अभी 160 हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तीनों को मिलाकर 180 होता है, ये तो 160 का ही हो गया। वो बचा हुआ क्या है 20 डिग्री, और दोनों 20 डिग्री में दोनों एंगल बराबर है तो 10 डिग्री का होगा। इस तरीके से आप इस फिगर के व्याप पर समझ सकते हैं। बाद बाकी मैंने फुल सॉल्यूशन करा दिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।